Hello everyone, let's start the second topic, that is subsidiary books. Subsidiary books क्या meaning है? जब हम journal बना लेते हैं, जैसे कि कल हमने journal entries की थी, real, nominal and personal account. उसके बाद जो step आएगा, वो होगा subsidiary books. It means आपने जो भी entries की हैं, तो उसे आप अलग-अलग books के अंदर record करेंगे. For example, cash से related जितनी भी transactions होंगी, वो आप कहाँ नोट डाउन कर देंगे कैश बुक के अंदर. परचेजेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे परचेज बुक के अंदर. सेल्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे सेल्स बुक के अंदर. तो इन्हें हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स. एंड इन एंट्रीज़ को आप हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रिकॉर्ड करेंगे. एंड ये वो एंट्रीज़ होती हैं जो डे टू डे हम नोट डाउन करते रहते हैं एंड क्लासिफाइड मैनर में. क्लासिफाइड मैनर मीन्स सेम ही पॉइंट है कि परचेजेस की एंट्रीज परचेज बुक, कैश की एंट्रीज कैश बुक, सेल्स की एंट्री सेल्स बुक, बिल्स रिसीवेबल की एंट्री बिल्स रिसीवेबल बुक एटसेट्रा. देखिए ये हमारी कुछ सब्सिडरी बुक्स हैं लाइक कैश बुक, परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड जर्नल. जर्नल के अंदर तो हम सारी ट्रांजैक्शंस नोट डाउन करते हैं, कोई भी सेपरेट बुक नहीं होती. कैश बुक के अंदर हम सारी कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स को नोट डाउन करते हैं. परचेजेस बुक, याद रखिएगा अगर आपने क्रेडिट में कोई चीज़ परचेज की है तो आप उसे परचेज बुक में लिखेंगे, अगर आपने कैश में कुछ परचेज किया है तो आप उसे कैश में लिखेंगे. अगर आपने मशीनरी परचेज की और आपने उसको पेमेंट की है कैश में तो आप उसे कैश बुक के अंदर लिखिए. और अगर आपने ये मशीनरी खरीदी है क्रेडिट में तो आप उसे कहाँ लिखेंगे परचेज बुक के अंदर, याद रह जाएगा. सिमिलरली अगर आपने क्रेडिट में कोई सेल की है तो सेल्स बुक में, और अगर आपने कैश में सेल्स की हैं तो आपको कैश रिसिप्ट्स होंगी, कैश रिसिप्ट्स होंगी तो आप कहाँ नोट डाउन करेंगे कैश बुक के अंदर. अगर आपने किसी से कोई चीज़ परचेज की लेकिन वो ख़राब निकल गए गुड्स एंड आपने उसको रिटर्न कर दिया देन आप कहाँ नोट डाउन करेंगे परचेज रिटर्न में. सिमिलरली आपने किसी को कुछ सेल किया था लेकिन आपके कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दिया तो आप उसे कहाँ नोट डाउन करेंगे सेल्स रिटर्न बुक के अंदर. बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक का क्या मीनिंग होता है? फॉर एग्जाम्पल आप किसी से कोई भी क्रेडिट के अंदर गुड्स परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं. अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आप उसको एक बिल बना कर देंगे कि मैं आपको ये अमाउंट इस पर्टिकुलर डेट पर पे कर दूंगा इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो वो होता है बिल्स पेबल बुक. सिमिलरली अगर आपने किसी को कुछ सेल किया है क्रेडिट में तो आप उससे बिल रिसीव करेंगे जिसके अंदर वो आपको गारंटी देगा कि फ्यूचर के अंदर वो आपको इतनी अमाउंट पे करेगा, तो उन्हें बोलते हैं हम बिल रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक. क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन लिख सकते हैं, देर इज़ नो प्रॉब्लम. सब्सिडरी बुक्स हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग लेजर बनाना इम्पॉसिबल है, तो हम अलग अलग बुक्स बना लेते हैं. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनल अकाउंट्स. सब्सिडरी बुक्स के बाद हमें फाइनल अकाउंट्स ही पढ़ना है. देखिए फाइनल अकाउंट्स एज द नेम इंडिकेट्स कि आप ये फाइनल टाइम पे बनाएंगे, यानी कि जब आपका फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर मींस 31 मार्च को आप ये अकाउंट बनाएंगे. 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है हमारा फिस्कल ईयर फाइनेंशियल ईयर, तो 31 मार्च को आप फाइनली अपने अकाउंट्स को क्या कर देंगे बनाएंगे, फाइनली बनाएंगे, और उससे आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो पता चल जाएगी. ठीक है, आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी एंड उसमें कौन कौन इंटरेस्टेड है, आपका ओनर भी इंटरेस्टेड है, मैनेजमेंट भी इंटरेस्टेड है, और वो पार्टीज जिसने आपको लोन दिया हुआ है वो भी इंटरेस्टेड होगा, गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होगी क्योंकि उसे टैक्स लेना है. ठीक है, तो सब इंटरेस्टेड होते हैं फाइनल अकाउंट्स के अंदर. अब फाइनल अकाउंट्स में आप क्या क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितना हुआ है. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से हमें पता चलती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलता है नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस. एंड बैलेंस शीट से हमें पता चलती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है. ओके,
स्टेप बाय स्टेप हम इनको करते चले जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखा देती हूँ। ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। इस साइड आप अपने क्रेडिट साइड में सेल्स नोट डाउन करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक नोट डाउन करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स ऐसा स्टॉक जो पूरे साल सेल नहीं हो पाया और 31 मार्च एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में भी आपके गोडाउन में है, तो आप उसे क्रेडिट साइड में नोट डाउन करेंगे। डेबिट साइड में हम क्या नोट डाउन करते हैं? ओपनिंग स्टॉक, जो 31 मार्च को क्लोजिंग है वो नेक्स्ट 1 अप्रैल को क्या बन जाएगा? ओपनिंग। सिमिलरली अगर आपने पूरे साल कोई परचेजेस की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए जो डे टू डे खर्चे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको वेजेस देनी होंगी वर्कर्स को, आपको इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस पे करने होंगे, तो ये होते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जब आप अपने सेल्स मींस आप अपनी क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करते हैं, अगर ये प्लस में आती है मींस अगर आपकी क्रेडिट साइड मोर है डेबिट से, तो आपको क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अदरवाइज आपको क्या होगा? ग्रॉस लॉस। तो आपको क्या होना चाहिए? क्रेडिट साइड ज़्यादा होनी चाहिए डेबिट से। अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है देन ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो आपका क्या होगा? ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो आपको हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है कि आपकी हमेशा कौन सी साइड ज़्यादा होनी चाहिए? आपकी हमेशा क्रेडिट साइड ही ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा हो गई है तो आपके पास ग्रॉस लॉस है। क्लियर? देखिए, ओपनिंग स्टॉक ये सब वेरी इजी आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ओपनिंग स्टॉक मींस लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है, यानी कि पुराने साल जो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाया, 31 मार्च को जो सेल नहीं हो पाया है, तो 1 अप्रैल को वो क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। परचेजेस, पूरे साल आपने क्या परचेज किया? आप क्या करेंगे? अपने कैश के परचेजेस को, क्रेडिट के परचेजेस को, परचेज तो किया है ना, इनको ऐड कर लीजिए। ठीक है, और इसमें से माइनस कर दीजिए अगर आपने कुछ परचेज किया हुआ किसी को रिटर्न कर दिया है, तो आप उसको क्या कर देंगे? माइनस। तो आपके पास नेट परचेजेस आ जाएंगे। मीन्स वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस के अंदर डेली डे टू डे इनकर होते रहते हैं, जैसे कि आप कोई गुड्स कैरी कर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स वो एक्सपेंसेस जो आपको बिजनेस को रन करने के लिए करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ कैरी करके लाए हैं तो आपको कैरिज चार्जेस देने होंगे, इम्पोर्ट क्या है तो इम्पोर्ट ड्यूटी, आप डेली जो इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, पैकिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, सो दीज ऑल आर रिलेटेड टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। कल हमने पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट में हम डेबिट करते हैं सभी एक्सपेंसेस को एंड क्रेडिट करते हैं सभी गेंस को, तो ये हम डेबिट साइड में नोट डाउन करेंगे। देन सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट मीन्स आपने कितना सेल किया है, चाहे वो कैश में सेल किया हो या क्रेडिट में सेल किया हो, इसमें से हम माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न। मीन्स अगर आपके किसी ने गुड वापस कर दिए तो आप उसको माइनस करके लिखेंगे। जो आपके सोल्ड नहीं हो पाए तो वो क्या होगा? हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि मान लीजिए स्टार्टिंग में आपके पास 10,000 के गुड्स थे, 2,000 के आपने खरीदे और अभी भी आपके पास और आपने सेल किए 12,000 के हो गए टोटल, आपने सेल किए हैं 8,000 के ही, तो 4,000 आपका क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक, जो कि नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। ओके, देन आप जब सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर देंगे, क्या चीज़ माइनस करेंगे? परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आपको क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला फिर क्या हो गया? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये क्वेश्चन भी जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, मैं क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करूँगी, आप वीडियो देखना, तो उससे आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो थोड़ा रिवीजन करने में या थोड़ा पढ़ाई करने में इजी रहता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला याद हो गया, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ इसी ग्रॉस प्रॉफिट। देन अगर आप इसी ग्रॉस प्रॉफिट में से अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी माइनस कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से भी अगर आप माइनस कर देते हैं, अगर आपको किसी को टैक्स पे करना है या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, तो हमारे पास फिर जो बचेगा वो क्या बचेगा? नेट प्रॉफिट। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं।
देन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, नेम से ही, दोबारा से नेम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ आप क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो आपकी क्या होगी, कॉस्ट इनकर होगी। ठीक है, देखिए इसके लिए आप पहले तीन टर्म समझ लीजिए। रॉ मटेरियल मीन्स ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आपको कन्वर्ट करके कुछ यूजेबल प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो वो क्या होता है, रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जो पार्शली फिनिश्ड है, आधे तो बन गए लेकिन आधा काम उनमें होना बाकी है, तो वो होते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश्ड प्रोडक्ट मीन्स ऐसे प्रोडक्ट विच आर रेडी फॉर सेल, जिनको आप मार्केट में ले जाकर सेल कर सकते हो, तो वो होते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, हम बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अगर आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आप फिनिश्ड गुड को तो मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, तो इसके अंदर क्या आएंगे, इसके अंदर आएंगे आपके रॉ मटेरियल और आपका क्या आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। क्योंकि तो अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे तो आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स नहीं लेने, आपको क्या लेने हैं, रॉ मटेरियल, क्योंकि उनके अंदर भी प्रोसेसिंग होनी बाकी है, और आपको क्या लेने हैं, क्या लेना है आपको, वर्क इन प्रोग्रेस, मीन्स वो गुड्स जो आधे बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हीं को बनाने में तो कॉस्ट लगेगी, जो पहले से गुड्स बने हुए हैं उन्हें थोड़ी आप आगे बनाओगे। तो आप डेबिट साइड में क्या उतार देंगे, सभी एक्सपेंसेस, एंड क्रेडिट साइड क्या उतार देंगे, सभी इनकम्स, जैसे आपने सेल कर दी, ठीक है, आपके पास लास्ट ईयर के कोई गुड्स बचे हुए हैं तो वो भी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड क्या उतारेंगे, अगर आपने कोई वर्क इन प्रोग्रेस को, कोई भी आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, कोई भी आपने वेजेस पे करनी है, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं, पावर एंड फ्यूल, आपकी प्लांट्स की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है। डेप्रिशिएशन मीन्स होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को फॉर द पीरियड ऑफ ईयर्स, आप पर्टिकुलर मतलब पैसेज ऑफ टाइम के साथ उसकी वैल्यू क्या चली होती चली जाती है, घटती चली जाती है। अगर आप किसी भी चीज़ को लगातार यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू घटती चली जाती है, उसे हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन। रेंट आप पे कर रहे हैं या कोई और फैक्ट्री एक्शन। देन देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिंपल सा रूल है, डेबिट कीजिए सभी एक्सपेंसेस को एंड क्रेडिट कीजिए सभी इनकम्स को। अगर इंटरेस्ट एंड कमीशन आप पे कर रहे हैं तो डेबिट, और अगर इंटरेस्ट एंड कमीशन आपको मिल रहा है तो क्रेडिट, ओके। एंड इससे हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से तो नेट प्रॉफिट, और अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो नेट लॉस। सिमिलरली डेबिट साइड में आप क्या नोट डाउन करेंगे, आपने किसी को सैलरीज दिए हैं, रेंट दिया है, एक्सपेंसेस, बैंक को आपको चार्जेस देने हैं, बैंक को आपको इंटरेस्ट देना है क्योंकि आपने कोई लोन लिया हुआ है, आपको इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस बियर करने हैं, स्टाफ के वेलफेयर का कोई खर्चा है, ऑडिट की आपको फ़ीस देनी है, रिपेयर, कोई चीज़ ख़राब हो गई उसको आपने ठीक कराया है, कमीशन देनी है, और कोई एक्सपेंसेस हैं, मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, सो दीज ऑल आर एक्सपेंसेस। एंड एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम, डेबिट। इनकम्स को नोट डाउन करेंगे, जैसे कि आपको बैंक से इंटरेस्ट मिल गया, आपको डिस्काउंट मिल गया, कमीशन इनकम मिल गई, ओके। देन कम्स बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से आपको क्या पता चलेगी, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसमें हम एक साइड लिखते हैं एसेट और एक साइड लिखते हैं लाइबिलिटी। डेबिट साइड लाइबिलिटी एंड क्रेडिट साइड एसेट्स। एसेट्स बेसिकली तो वैसे टू टाइप्स के लेते हैं लेकिन और भी होते हैं हमारे। फिक्स्ड एसेट्स मीन्स ऐसे एसेट्स जो आप एक साल के अंदर उसको कैश में कन्वर्ट नहीं करने वाले हो, फॉर एग्जांपल मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा। करंट एसेट्स वो एसेट्स जो आप विद इन वन ईयर उसको क्या करोगे, कैश में कन्वर्ट कर दोगे। फॉर करंट एसेट्स मीन्स वो एसेट्स जो आप कैश में कन्वर्ट करने वाले हो, फॉर एग्जांपल स्टॉक, आप अपने स्टॉक को क्या कर दोगे, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। डेटर्स, किसी को आपने क्या किया हुआ है, कोई भी चीज़ क्रेडिट में सेल की हुई है और वो आपको पैसे दे देगा, तो वो हमारे क्या होंगे, एसेट्स।